हेलो दोस्तों, आज के अपने चैनल सरकारी एग्जाम्स खबरी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रेलवे की तरफ से निकली एक और वैकेंसी जो कि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड है, जिसकी ओपनिंग डेट एंड टाइम आज 2 तारीख, जिसकी क्लोजिंग डेट है 1 अगस्त 2022। तो फ्रेंड, आपको इस वीडियो में आज कंप्लीट डिटेल के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ से करना है, क्या क्या मांगा है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, सब इस वीडियो में आज आप। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशन है इसकी, एज क्राइटेरिया एज ऑन 1/8/2022 क्लोजिंग डेट। आपकी जो क्लोजिंग डेट से उस पर आपकी 24 साल तक एज होनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे और बताते हैं। SC ST OBC अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा एज में, और अगर OBC हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD वालों की 10 साल के लिए है। और दोस्तों, आज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो मांगी है वो आपको कैंडिडेट, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड एंड मस्ट हैव पास्ड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड इशू बाई NCVT SCVT रिकोगनाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्लाइटेड टू NCVT SCVT से होना चाहिए आपके पास। अब बात कर लेते हैं जो ट्रेड मांगी है ITI में, वो मांगी है फिटर, मांगा है फिटर से आपका होना चाहिए, वेल्डर में होना चाहिए, आर्मेचर में आपकी ITI होनी चाहिए, मशीनिस्ट में होनी चाहिए, कारपेंटर में, इलेक्ट्रीशियन में, पेंटर में, मैकेनिक में, डीजल में, ये सारी ट्रेडें लिखी हुई हैं। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूँगा, वहाँ से आप कंप्लीट जानकारी ले लीजिएगा। सारी ट्रेड लिखी हुई हैं, ये सारी ट्रेड लिखी हुई हैं, वहाँ से आप इसको फुल नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। दोस्तों, फी पेमेंट की बात कर लेते हैं। पेमेंट जो लगेगी उसकी आपकी 100 रुपये लगेगी, 100 रुपये का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा वो बात कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द एप्लीकेंट इन बोथ मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज टू बोथ। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपका जो ITI किया है अगर आपने, तो आपको उसका वेटेज मिलेगा, और जो आपका दोस्तों जो मेरिट बनेगी वो आपका जो मिनिमम 8 क्लास एंड ITI से मेरिट बनेगी आपका। उसके बाद दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। आपको ट्रेनिंग पीरियड में वहाँ पर कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, और ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होता है, तो उसमें आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, कहाँ से फिल करेंगे। तो दोस्तों, ये लिंक दिया हुआ है, आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका PDF आपको इस वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की डेट आज ही से स्टार्ट है दोस्तों, तो फॉर्म आज ही से स्टार्ट कर दीजिएगा भरना। जो भी कैंडिडेट ITI किए हैं वो उनके लिए अच्छी डिफरेंट डिविजन्स में अच्छी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि आपको अप्रेंटिस में फ़ायदा मिलेगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल सरकारी एग्ज़ाम खबरी में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको भी ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इस कंप्लीट डिटेल की नोटिफिकेशन की डिटेल आप पढ़ सकते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए और भी लाते रहें। ते जय हिंद, जय भारत।